बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। अब मोहब्बत करने वालों की दो किस्में बन जाती हैं, एक गाफिलीन है और दूसरे आकलीन हैं। गाफिलीन का मतलब यह है कि मोहब्बत वो भी करते हैं लेकिन वो महबूब जब चुनते हैं तो गलत महबूब चुन लेते हैं। मोहब्बत उनको करनी है लेकिन वो महबूब जब चुनते हैं और मोहब्बत के अपने जो जज्बात निशावर करते हैं तो गलत जगह पर निशावर कर बैठते हैं, ये गाफिलीन है। ये गफलत में पड़े हुए हैं, इनको हकीकत पता नहीं है कि ये मोहब्बत की दौलत कहाँ बांटनी थी, ये मोहब्बत की दौलत किसको देनी थी, मेरे महबूब बनने के काबिल कौन था, ये इनको इस बात की खबर नहीं होती। तो गोया कि ये मोहब्बत की दौलत तकसीम कर देते हैं, गोया कि बेमहा ये दौलत तकसीम करते हैं लेकिन गलत जगह तकसीम कर देते हैं, ये गाफलीन है। और दूसरे वो जो आकलीन है, अकल वाले हैं, जो अक्लमंदी के साथ, समझदारी के साथ मोहब्बत की दौलत को तकसीम करते हैं और उसी जगह तकसीम करते हैं जहाँ पर इस दौलत को तकसीम करने का हक होता है, ये उसी को अपना महबूब बनाते हैं को जो वाकई इसका महबूब बनने का अहल होता है और मोहब्बत की दौलत का जो मुस्तक और हकदार होता है उसी को मोहब्बत देते हैं, ये आकलीन है। सवाल ये हुआ कि गाफलीन ये गलत फैसला क्यों करते हैं, वो महबूब जब चुनते हैं तो गलत महबूब क्यों चुन लेते हैं और आकलीन जब महबूब चुनते हैं तो वो सही महबूब क्यों चुन लेते हैं, हालांकि बज़ाहिर वो भी उन्हीं उसी की तरह का इंसान है। एक इंसान बिलाल बन जाता है, दूसरा इंसान अबू लहब बन जाता है, दोनों इंसान है, बल्कि एक हबशा का ग़ुलाम है और एक मक्का का सरदार है। एक ग़ुलाम सही फैसला करके सही महबूब को चुन लेता है और एक मक्का का सरदार और ज़ीरक और ज़हीन गलत फैसला करके गलत महबूब चुन लेता है, आखिर इसकी वजह क्या है? दो इंसान एक जैसी अक़ल रखने के बावजूद या बावजूद अकल के तफावत और फर्क के बावजूद एक कम अकल वाला सही महबूब को चुन लेता है और ज्यादा अकल वाला गलत महबूब चुन बैठता है, इसकी वजह क्या है?